डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग मीडिया। जी दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड से हम जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स इंडिकेटर्स जो यूज करते हैं, उन इंडिकेटर्स का यूज करके ट्रेडट्रॉन पे अलग स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है उसके बारे में डिस्कशन किया है। और जो सेटल यूट्यूबर्स है, उन्होंने जो अपने यूट्यूब चैनल पे जो स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, उन स्ट्रेटेजीज का लाइव अलगो ट्रेडट्रॉन पे कैसे बनाना है उसके बारे में भी डिस्कशन किया है। और एक प्रॉफिटेबल और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की जो जर्नी है, उस जर्नी में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में हम कोई भी स्ट्रेटेजी डिस्कस नहीं करने वाले, इसको अल्गो हम ट्रेडट्रॉन पे बना लेंगे। लेकिन अल्गो का जो अवेयरनेस है वो इंडिया में बहुत ही कम नजर आ रहा है, और अल्गो में ट्रेडिंग करने वाले जो ट्रेडर्स है वो नियर अबाउट सिर्फ 4-5% ही रहेंगे। तो ये परसेंटेज आने वाले अगले सालों में जो है वो बहुत ही बढ़ने वाला है, क्योंकि अल्गो ट्रेडिंग के जो बेनिफिट्स है वो बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो चैट जीपीटी से इसका गाइडेंस ले लेते हैं, जैसे हम हर वीडियो में लेते हैं, तो चैट जीपीटी से थोड़ा पूछ लेते हैं दोस्तों। प्लीज टेल मी अबाउट बेनिफिट्स ऑफ अल्गो ट्रेडिंग ओवर मैन्युअल ट्रेडिंग इन इंडियन and options. तो चैट जीपीटी से हमने पूछ लिया दोस्तों कि क्या बेनिफिट्स है। तो ये जो बेनिफिट्स है इसके बारे में बहुत सारे लोग अनजान है और अल्गो का यूज नहीं कर रहे, तो ये अभी इसने आंसर देना चालू कर दिया है दोस्तों। अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एंड मैनुअल ट्रेडिंग आर टू वेज टू ट्रेड इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। अल्गो ट्रेडिंग इज द ऑटोमेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दैट यूजेस कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट ट्रेड बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स, व्हाइल मैनुअल ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स ट्रेडर्स मैन्युअली एनालाइजिंग द मार्केट एंड प्लेसिंग ट्रेड्स। हियर आर सम बेनिफिट्स ऑफ अल्गो ट्रेडिंग ओवर मैनुअल ट्रेडिंग। स्पीड एंड इफिशियंसी। अल्गो ट्रेडिंग सिस्टम्स कैन एग्जीक्यूट ट्रेड्स एट लाइटनिंग फास्ट स्पीड्स, मच फास्टर देन मैनुअल ट्रेडर्स। दिस स्पीड कैन बी क्रिटिकल इन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है दोस्तों। जब हम कोई ब्रेकआउट वगैरह आपको नजर आता है, वॉल्यूम ब्रेकआउट हो या कोई भी कैंडल का ब्रेकआउट, तो अल्गो जितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ट्रेड ले सकता है उतना हम मैन्युअली ट्रेड नहीं ले सकते दोस्तों। तब तक मार्केट जो है वो बहुत आगे भाग चुका होता है, और ट्रेड का जो मोमेंटम है दोस्तों वो 70% हो चुका होता है, और 30% मोमेंटम में हमको उधर सेटिस्फाई होना पड़ता है। तो अल्गो इसीलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा जो पॉइंट है, इलिमिनेशन ऑफ इमोशनल बायस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक मार्केट डिराइव करते है दोस्तों, तो दो ही फैक्टर है। अभी जो ट्रेडिंग कर रहे लोग तो उनको मालूम रहेगा, तो सबसे पहला है ग्रिड और दूसरा जो है वो फियर है दोस्तों। तो ये ग्रिड और फियर की वजह से ये स्टॉक मार्केट चलता है, और जो बड़े प्लेयर्स है वो इनका फायदा उठा के स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं दोस्तों, और जो न्यूबीज है, नए प्लेयर्स जो है, उनको बाहर निकल के उनका प्रॉफिट ले लेते हैं दोस्तों। और स्टॉक मार्केट में कोई पैसा जनरेट नहीं होता, सिर्फ जो नए प्लेयर्स रहते हैं उनका पैसा बड़े प्लेयर के पास जाता है, यही होता रहता है। और नए प्लेयर को कैसा फंसाना है वो इनको
FII और DII जो रहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनको मालूम रहता है दोस्तों, और उसका फायदा उठा के ये अपना कैपिटल नए जो ट्रेडर्स है वो वाइप आउट कर देते हैं उनके लिए। तो इलिमिनेशन ऑफ इमोशनल बायस, अल्गो ट्रेडिंग सिस्टम इन्वॉल्व द इमोशनल बायस फ्रॉम ट्रेडिंग, मैनुअल ट्रेडर्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस लाइक फियर, ग्रीड और होप, विच कैन लीड टू इरेशनल डिसीजन मेकिंग। क्योंकि कैंडल इतना फास्ट मोमेंटम मार्केट में आता है दोस्तों, एक कैंडल में ऊपर जाता है, एक कैंडल में नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो इधर बहुत ही डिफिकल्ट है दोस्तों। इसलिए अल्गो ट्रेडिंग ही उसका एक जो समाधान है उसमें नजर आता है दोस्तों। उसके बाद बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अल्गो ट्रेडिंग कोई भी हमने स्ट्रेटेजी बना ली तो उसको बैक टेस्टिंग कर सकते हैं दोस्तों हिस्टोरिकल डेटा पे। स्केलेबिलिटी, अल्गो ट्रेडिंग सिस्टम कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड्स एंड हाईली स्केलेबल। रिड्यूस कॉस्ट, अल्गो ट्रेडिंग कैन रिड्यूस द कॉस्ट एसोसिएटेड विद सच एज कमीशन एंड स्लिपेज। ये तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट, स्पीड एंड एफिशिएंसी एंड इलिमिनेशन ऑफ इमोशनल बायस, ये जो दो फैक्टर है दोस्तों ये मार्केट को डिराइव करते हैं और ये यही मेन डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए अल्गो ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और जो लोग अभी मार्केट में, सभी जो लोग हैं वो अपने स्ट्रेटेजी और अपने क्लासेस लगाने में बिजी है दोस्तों, तो उससे अच्छा आप एक स्ट्रेटेजी बना लो। आपका जो भी कितने भी साल का एक्सपीरियंस मार्केट में हो, एक आप लॉजिक आपके पास जो है, कौन सा भी इंडिकेटर उठा लो, चाहे वो बॉलिंजर बैंड हो, चाहे वो MACD हो, कौन सा भी इंडिकेटर हो, उसका लॉजिक आप बना लो, उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट टेक प्रॉफिट लगा लो, और अच्छा मनी मैनेजमेंट करने के बाद आप उसको अल्गो में डाल के देखिए दोस्तों, तो उसको चार चांद लग जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ChatGPT ने भी मेंशन नहीं किए वो है दोस्तों, मार्केट को सुबह 9 से 3:30 बजे तक वॉच करना, ये 99% लोगों को पॉसिबल नहीं है दोस्तों। क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर बहुत ही 1-2% है दोस्तों सिर्फ, और 98% लोग जो है वो पार्ट टाइम ऑफिस में करते हैं, कोई काम करते समय मोबाइल पे करते हैं, तो उसमें उनको बड़ा लॉस लग जाता है दोस्तों। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। तो इंडिया में बहुत सारे अल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, तो उसमें से ये ट्रेडट्रॉन का इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इनके कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा, मैं खुद इसको यूज करता हूँ, और इनका अगर कभी भी एरर एक्जुकेशन आ जाए तो एरर एक्जुकेशन आने के बाद इनका फोन कॉल भी आता है दोस्तों। तो ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये अब चलते हैं दोस्तों, हमने जो स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय की हुई है उसका रिजल्ट जो है ये देखिए दोस्तों, ये आज का प्रॉफिट इसका 4876 रुपीज है दोस्तों। और इसमें हमने सिर्फ अल्गो को सुबह 9 बजे कनेक्ट कर दिया है और उसके बाद प्रॉफिट जनरेट होना चालू हो गया दोस्तों। मैन्युअली हमको इधर देखने की कोई भी जरूरत नहीं दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और जब से हमने इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय किया हुआ है तब से अभी एक 15-20 दिन हो गए, इसका जो रिजल्ट है दोस्तों ये नियर अबाउट 18,000 के आसपास 1,00,000 कैपिटल पे इसने रिटर्न दे दिया है दोस्तों 15 से 20 दिन में। और आज के ये जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हम एक नई स्ट्रेटेजी लॉन्च कर रहे हैं। इसमें हमने एक ऑप्शन बाइंग की जो है वो बहुत सारे सब्सक्राइबर है और जो मुझे मैसेज आ रहे थे उनमें उन्होंने लिखा था कि ऑप्शन बाइंग की भी स्ट्रेटेजी कोई बनाई है अच्छी वाली, 20 से 25,000 रुपए कैपिटल को डिप्लॉय करने के लिए।
तो वो स्ट्रेटेजी हमने बना दी है दोस्तों, और इसको बैक टेस्ट भी करके देखा है। तो ये स्ट्रेटेजी की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप उस लिंक को कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे तो इधर सब्सक्राइब का मैसेज आ जाएगा दोस्तों, और उसको सब्सक्राइब करके आप पेपर ट्रेड करके उसका रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। और आपको अगर स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल लगी तो आप उसको लाइव ऑटो में भी डाल सकते हैं दोस्तों। और ये डिस्क्लेमर देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा, ये चैनल जो है हमारा कोई भी टिप प्रोवाइड नहीं करता है दोस्तों, हम सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके डिसीजन लेना चाहिए दोस्तों। ये टर्म्स एंड सर्विस की प्राइवेसी जो है ये एक बार पढ़ लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। आप मेरा नहीं किसी का भी वीडियो देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आप ये सिर्फ हमने जो बनाया है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, ट्रेडिंग का जो डिसीजन है आपको खुद लेना है, और आप खुद नहीं ले सकते तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर आप रख लीजिए, उनको पूछ के आप ट्रेडिंग की डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। तो ये आपने पढ़ लिया होगा तो हम आगे जाएंगे दोस्तों। तो ये नई जो स्ट्रेटेजी है इसको आज हमने लॉन्च किया है दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब करके आप डिप्लॉय कर सकते हैं दोस्तों। आपके पास अगर ट्रेड अकाउंट का अकाउंट है तो पेपर ट्रेडिंग पे डाल दीजिए, और रिजल्ट आपको अच्छा लगे तो बाद में आप उसको लाइव ऑटो में भी डाल सकते हैं दोस्तों। तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और ये जो मेरा चैनल है दोस्तों इसको शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप शेयर लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, और ऐसे नए नए एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद।